नमस्कार, मैं तारिक नैयर, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को कई सारी धमकियां दी जा रही हैं। धमकी देने वाले भाजपा व सहयोगी दल के कई नेता हैं जिन पे ये आरोप लगे हैं। यहां तक कि उनसे ये भी कहा जा रहा है कि जो उनकी दादी का हश्र हुआ था वही उनका भी होगा। इसके साथ ही उनकी जुबान काटने पर भी इनाम की घोषणा की जा रही है, जिसको देखते हुए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा ताकि ये जो सब चल रहा है इस पे रोक लगाई जा सके। पत्र के माध्यम से जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने कहा कि भाजपा नेता राहुल गांधी को आतंकी कह रहे हैं, साथ ही कहा कि आपके सहयोगी दलों के नेता जिस हिंसक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो किसी भी रूप में ठीक नहीं है और ये घातक हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक नेता ने तो 11 लाख रुपए इनाम की घोषणा कर दी है कि जो राहुल गांधी की जबान काट के लाएगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस तरह का ये लेटर लिखा था। उसके बाद जो जवाब आया, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो जवाब आया, वो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उसमें जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है या जो लिखा गया है, जो पत्र लिखा था, जो पत्र मैंने अभी आपको थोड़े अंश बताए कि, और जो जवाब उधर से आया है, तो आप खुद चौंक जाएंगे कि ये किस तरह का जवाब है। सबसे पहले मैं आपको जो धमकी दी गई है राहुल गांधी को, कि जान से मारने की धमकी, के जो दादी का हश्र हुआ था, पहले वो मैं आपको सुना देता हूँ। राहुल गांधी आज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी, जो तेरे दादी का हाल है। तो सुना आपने, ये बीजेपी के नेता व पूर्व विधायक तरजिंदर सिंह मारवा है जिन्होंने सड़क पर खुलेआम इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। अब मैं आ जाता हूं उस पत्र के जवाब में, जो खड़गे ने पत्र लिखा था नरेंद्र मोदी को, वो क्या जवाब आया है। हालांकि सीधे सीधे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने जवाब नहीं दिया है, जो जेपी नड्डा हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनकी ओर से जवाब लिखा गया है। जो जवाब लिखा गया है वो मैं आपको सुनवा देता हूं और आप गौर करिएगा उस भाषा का, जिस भाषा में पत्र का जवाब दिया गया है मैं आपको सुनवाता हूं। देखिए, जेपी नड्डा ने जो जवाब दिया वो प्रधानमंत्री की ओर से जवाब दिया गया है। उन्होंने लिखा कि खड़गे को कि आपने राजनीतिक मजबूरियां वश जनता द्वारा बार बार नकारे गए अपने फेल्ड प्रोडक्ट को एक बार फिर से पॉलिश कर बाजार में उतारने के प्रयास में जो देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, उस पत्र को पढ़कर मुझे लगा कि आपके द्वारा कही गई बातें यथार्थ और सत्य से कोसों दूर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र में आप राहुल गांधी सहित अपने नेताओं की करतूतों को या तो भूल गए या उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है। यानी करतूतों शब्द का इस्तेमाल देखिए, करतूतों। आगे लिखा है, जिस व्यक्ति का इतिहास ही देश के प्रधानमंत्री सहित पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर उन्हें गाली देने का रहा हो, उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप किस मजबूरी के चलते कह रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पत्र में सोनिया गांधी पर भी कहा है। क्या कहा है? ये राहुल गांधी की माता जी सोनिया गांधी ही थी जिन्होंने मोदी जी के लिए मौत का सौदागर जैसे अत्यंत असभ्य अपशब्दों का प्रयोग किया था। आपको इन चीजों पर आत्ममंथन भी तो करना चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरह से एक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने जो राहुल गांधी के ऊपर हमले हो रहे थे उसको लेकर प्रधानमंत्री के लिए लिखा था कि इस तरह के जो हमले हो रहे हैं, जुबानी हमले हो रहे हैं या धमकी दी जा रही है, उसको रोक लगाई जाए। तो जवाब कायदे में अगर कोई हमसे कहेगा, हमारा कोई अपना है और के वो इस तरह से कर रहा है, तो हम कम से कम सीधे सीधे जवाब तो ये नहीं देंगे कि आप भी ऐसे करके कर रहे हो। लेकिन जवाब से तो ऐसा ही लगा कि जो करतूते, यानी जो कांग्रेस की नेताओं की करतूते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ बयान दिए जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मौन सहमति भाजपा नेताओं की है या सरकार की रही होगी। क्योंकि जिस तरह से
पत्र लिखा गया और पत्र के जवाब जो आया है, जो आपने सुना, तो कहीं ना कहीं इससे साफ दिख रहा है कि उन्होंने इस बात को बिल्कुल नहीं कहा कि इस पे हम रोक लगाएंगे, मंथन करेंगे, इसको इस तरह से भी जवाब दे देना चाहिए था कि ठीक है, आपका पत्र मिला है, इस पे संज्ञान लिया जा रहा है और आपके नेता भी इस तरह से, मतलब इनको अच्छे शब्दों में अगर कहा जाता है कि राहुल गांधी भी इस तरह की बातें करते हैं या राहुल की माता जी ने इस तरह की बातें की हैं, तो मैं समझता हूं कि इस तरह का अगर शब्द जाता तो बुरा नहीं लगता। लेकिन क्योंकि सीधे सीधे उनको जो खड़गे जी हैं उनसे कह दिया कि मजबूरी वश आप लिख रहे हैं पत्र और आपके नेता जो हैं ऐसा ऐसा कर रहे हैं, राहुल गांधी ऐसा ऐसा कर रहे हैं, उनकी करतूतें ऐसी हैं, तो यानी करतूतें ऐसी हैं, तो उसके जो एक्शन का रिएक्शन हो रहा वो एक तरह से दिखाया गया है। कुल मिला के चुनाव जो चल रहे हैं उसके चलते ये सब कुछ चल रहा है, जो नेता हैं उनकी बयानबाजी चल रही है। चार राज्यों में चुनाव होना है, दो राज्य अभी चल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, शायद उसकी वजह से ही इस तरह की बयानबाजी चल रही है। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। नमस्कार।